पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके से एक बेहद शर्मनाक और हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ किराए के मकान में रहकर सिविल सेवा की तैयारी कर रही युवती के बाथरूम और बेडरूम में मकान मालिक के बेटे ने स्पाई कैमरे लगा रखे थे और उसके व्हाट्सएप को भी अपने लैपटॉप में लॉगिन कर उसकी चैट पर निगरानी रखने लगा था। व्हाट्सएप्स को अज्ञात लैपटॉप पर लॉगिन देखकर युवती को शक हुआ और मामले की जानकारी पुलिस को दी। इस खुलासे के बाद आरोपी मकान मालिक के बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके दोनों लैपटॉप को जब्त कर लिया गया है, साथ ही दोनों सफाई कैमरे भी बरामद कर लिए गए हैं। आरोपी शारीरिक रूप से दिव्यांग भी है। कल हमें एक लेडी की कंप्लेंट मिली थी कि वो शकरपुर में एक मकान में किराए पर रहती है और उनको अपने कमरे में एक स्पाई कैमरा मिला था। इमिजिएटली पुलिस जब मौके पर पहुंची और फैक्स हमने वेरीफाई किए तो आईओ और उनके जो साथी थे उनको पता चला कि उस लेडी के कमरे में दो जगह पे स्पाई कैमराज इंस्टॉल थे, एक बाथरूम में और एक बेडरूम में। लेडी से पूछताछ करने पे पता चला कि मकान मालिक के जो बेटे हैं वो फ्रिक्वेंटली उनके कमरे में मेंटेनेंस वगैरह को लेकर आते जाते रहते थे उनके पीछे से, और कई बार आते जाते इमरजेंसी में अपने कमरे की चाबी वो उन मकान मालिक के बेटे के पास ही छोड़ कर जाती थी जो कि उनके काफ़ी ट्रस्टेड थे। तो उनकी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमने मकान मालिक के बेटे करण को पकड़ा और उनसे उनको इंटरोगेट किया। इंटरोगेशन में करण ने कन्फेस किया कि जब ये लेडी 3 महीने पहले अपने घर गई थी उस टाइम पे मौके का फ़ायदा उठाकर करण ने 3 स्पाई कैमरास परचेज किए थे, जिसमें से 2 उन्होंने उस लेडी के अपार्टमेंट में इंस्टॉल कर दिए थे, एक बेडरूम में और एक बाथरूम में। और उस कैमरा के मेमोरी कार्ड को निकालने के लिए कई बार वो उस लेडी के कमरे में आते जाते रहते थे। लेडी के शक के आधार पर और करण के कन्फेशन के बेसिस पे हमने करण को अरेस्ट कर लिया और इस केस को वर्कआउट कर दिया।